हेलो फ्रेंड्स। तो इसमें भाई मैं बैठा हूँ अपने होटल की लॉबी पर और मैं जा रहा हूँ मेकोंग टूर पर। ये एक टूर है जिसमें हमें बस में ले जाया जाएगा और यहाँ होटल से पिकअप करेंगे, होटल में ही ड्रॉप करेंगे और बस में ले जाया जाएगा और ये किसी गांव में हमें ले जाएंगे। वहाँ पर बोटिंग भी होगी और वहाँ पर साइकिलिंग भी हमें करवाएंगे और $25 का ये फ्रेंड्स पूरा टूर है। इसमें लंच भी इंक्लूडेड है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं अपने होटल की लॉबी में बैठा हूँ। 8:20 से 8:30 का टाइम इन्होंने दिया, मतलब 10 मिनट का टाइम ये होटल की लॉबी में वेट करेंगे मेरा, पर उल्टा मैं इनका वेट कर रहा हूँ और 8:30 से ऊपर हो चुका मॉर्निंग में। तो भाई देखते हैं ये कब तक आएंगे। होटल का जो रिसेप्शनिस्ट है उससे मैंने बात की तो वो कह रहा है कि वो लोग आएंगे ज़रूर और आपको पिकअप करेंगे। और पीछे से बस कहीं से लेट हो गई है पर वो आएंगे ज़रूर। तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस होटल में जो ठहरते हैं वो बीकॉम टूर बुक कराते हैं तो वो उन्हें लेने आते हैं, तो ये ऐसा मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया। तो भाई वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, बाकी ये मेकोंग टूर कैसा रहता है और क्या क्या भाई देखने को मिलता है, क्या खाने को मिलता है। लंच तो इनका इधर का ही देंगे, अब पता नहीं इंडियन तो देंगे नहीं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं भाई, वेट कर रहे हैं अभी। तो भाई इस समय मैं हूँ अपनी बस में, बस आ गई, आधा घंटा बस लेट है। तो फिलहाल जा रहे हैं मेकोंग टूर पर और देखते हैं क्या होता है भाई। बाकी अब देख लो मेरे पीछे इतने लोग बैठे हैं इस बस में। तो भाई हम लोग आ चुके हैं यहाँ टेंपल में एक, और ये इंस्ट्रक्शन दे रहे थे हमें अंदर कैसे जाना है। अपना अगर चश्मा पहना है, हैट पहनी है, तो अपने हैट और चश्मा उतार के अंदर जाना है। तो यहाँ सबसे पहला ये स्टॉप है, यहाँ पर हम रुके हैं। तो यहाँ पर ये टेंपल में सबसे पहले हम जाएंगे और ये टेंपल है, देख लो आप, ये सामने वाला टेंपल है और ये हैप्पी बुद्धा है। ये बोल रहे थे कि अगर ये हैप्पी बुद्धा है तो ये ड्रिंक रोज़ बियर बहुत पीते हैं, इसलिए ये हैप्पी बुद्धा है। ये जो गाइड सारे ब्लैक टी शर्ट है, इन्होंने बताया अभी, तो ये साथ साथ कॉमेडी भी कर रहे हैं।
और पीछे भी ये बहुत बड़ी एक स्टैचू है बुद्धा की। तो फिलहाल अभी अंदर जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। अभी ये एक और मूर्ति है बुद्धा की। ऐसा कुछ है, देख लो आप। तो ये टेंपल है फ्रेंड्स, सामने जाना कहाँ से है ये नहीं पता। और ये भाई छोटा सा पॉन्ड है पानी का, और ये जगह का नाम है आप देख लो, आपको ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा हो तो। तो एक ये भाई यहाँ पर स्टैचू बहुत है, ये पता नहीं किन की स्टैचू है, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, वैसे इंग्लिश में लिखा। तो ये पार्क भी है साथ में, एक छोटा सा पार्क भी है साथ में, और बैठने की जगह भी है यहाँ पर। तो फिलहाल अंदर चलते हैं, लोग अंदर जा रहे हैं तो हम लोग भी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। तो भाई एक और डेस्टिनेशन में आ गए हैं, मीकोंग रिवर पे आ गए हैं, और ये सामने मीकोंग रिवर है, और ये हमारी बस है। ये बस आप देख लो, ये आप देख सकते हैं वियतनाम एडवेंचर टूर्स, तो ये इसका नाम है। तो फिलहाल सामने रिवर है तो सामने रिवर चलते हैं फ्रेंड्स। ये शॉप्स वगैरह हैं, और ये भाई यहाँ पर बोर्ड लगा है, पर आप क्या पता ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स है मीकोंग रिवर। काफ़ी गंदी रिवर फ्रेंड्स, काफ़ी मतलब पेड़ वगैरह के पौधे वगैरह तैर रहे हैं यहाँ पर। बाकी ये सामने हमारी बोट है, इस पर हम चढ़ेंगे, इस पर हम जाएंगे। Which one? This one. Next one. तो ये रिवर है यहाँ पर।
देख लो पीछे बोर्ड के पीछे खुला है और ये रिवर है और ये हमारी बोट है, तो ये भी चलेगी फुल स्पीड पर।